हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे दुबई डीटीएन सीरीज की जो अगला मैच होने वाला है डीईएफ वर्सेस वीटीवी के बीच में। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा बैटिंग ऑर्डर के साथ। दोस्तों डीईएफ और वीटीवी के कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर ओपन करते हुए दिखेंगे, कौन से प्लेयर फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए नजर आएंगे, दोस्तों सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बॉलर आपको इस मैच के अंदर कंप्लीट दो ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, दोस्तों कौन से बॉलर यहां पे दोस्तों स्टार्टिंग ओवर्स पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, कौन से बॉलर डेथ ओवर बॉलर्स रहने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपको दोस्तों बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक जरूर कर दें। साथ ही साथ यहाँ पर जो बेल आइकन दिया हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना। इससे क्या होगा कि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूँगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको जरा भी हेल्प मिलता है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोस्तों यहां पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा, जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे ना आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो हो जाएगा। दोस्तों इस ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलेगा। हाँ, अभी हम लोग टीम बनाएंगे ही, हो सकता है दोस्तों कि एक दो प्लेयर आफ्टर टॉस लाइनअप के बाद इस टीम में चेंज हो, ठीक है, तो वही टीम में आपको अपडेट कर दूंगा लाइनअप के बाद, तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जहां आप कमेंट करते हैं दोस्तों पहला कमेंट में लिंक आपको पिन कर दिया है, आप क्लिक करके इजी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइमिंग की बात करते हैं तो 7:45 में ये मैच आपको देखने को मिलेगा 7:45 में। और ये जो मैच रहने वाला है दोस्तों आईसीसी एकेडमी दुबई में ये मैच होने वाला है। और यहाँ का पिच कंडीशन की बात करते हैं दोस्तों तो बैटिंग ट्रैक है, बैटिंग फ्रेंडली मैच आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छा स्कोर देखने को मिल जाता है। लगभग अगर आप देखेंगे तो 120-130 के आसपास इस ग्राउंड पर आंकड़ा देखने को मिल जाता है, हाई स्कोरिंग पिच आप कह सकते हैं। तो इसी माइंड सेट से हम लोग आगे टीम क्रिएट करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर डीईएफ की टीम के बारे में। डीईएफ की टीम दोस्तों यहां पे कल के एक मैचेस खेल चुका है जो कि 135 का टारगेट इन्होंने दिया था, लेकिन डीईएफ के जो टीम है 125 तक ही चेस कर पाए थे और पहला ही जो मैच है दोस्तों यहां पे लॉस करते हुए आए हैं। चलिए बैटिंग ऑर्डर पे फोकस करने से पहले एक बार वीटीवी का भी मैं टीम स्कोर बता दूं। पहला मुकाबला जो कि एलवाई की टीम के खिलाफ हुआ था 83 का टारगेट इनको मिला, लेकिन वीटीवी की टीम ने इस रन को चेस कर लिया था। सेकंड मैच देखोगे डीसीएस के खिलाफ हुआ, 112 का टारगेट इनको मिला, लेकिन वीटीवी की टीम दोस्तों 89 तक ही चेस कर पाए थे। यानी एक मैच इन्होंने जीता है और एक मैच लॉस करते हुए आए हैं। फिर भी मैं आपको कहूं दोस्तों कि डीईएफ की टीम जीतेंगे तो फिर आपका क्या कहना रहेगा, क्योंकि डीईएफ की टीम यहां पे लॉस करा है, एक मैच खेला है, एक मैच लॉस करते हुए आ रहे हैं। फिर भी दोस्तों मैं डीईएफ के फेवरेट टीम में रहने वाला हूं क्योंकि ये टीम जो है ना दोस्तों बहुत मजबूत टीम है। और मैं पर्सनली बता रहा हूं दोस्तों ये जो प्लेयर है ना, इनके जो प्लेयर्स रहेंगे ना बहुत अच्छे फॉर्म पर चल रहे हैं। चलिए मैं आगे आपको और भी जानकारी शेयर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मोहम्मद इमरान जो कि आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में नजर आएंगे, ये जो प्लेयर है दोस्तों राइट हैंड बैटिंग करते हुए दिखेंगे। ये ओपन करने के लिए आए थे, ओपन करते हुए लास्ट मैच के अंदर 13 रन स्कोर करा है। वो अगर आप देखोगे अब्दुल अजहर के बारे में, इनके साथ ओपन करने के लिए आए थे, 23 रन बनाया हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों प्लेयर आपको डीईएफ की टीम की तरफ से ओपन करते हुए दिख जाएंगे। बाकी मोहम्मद नदीम की बात किया जाए, फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए दोस्तों इन्होंने 47 रन स्कोर करा है, एक ओवर का बॉलिंग करा था जहां पे एक विकेट इन्होंने निकाला हुआ है। दोस्तों ये जो प्लेयर है आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हुए दिखेंगे, और इस वजह से मैंने इनके नाम को कलर कर रखा है क्योंकि इस खिलाड़ी को आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी अपनी टीम के अंदर ले सकते हो। लेकिन वहीं अली अबीद का रिकॉर्ड देखोगे, सेकंड राउंड पे खेलते हुए दोस्तों 12 रन इन्होंने स्कोर करा है, टीम का सेकंड राउंड का बैट्समैन है। बाकी रिजवान अमनत अली की बात करेंगे दोस्तों, थर्ड राउंड पे खेलते हुए इन्होंने 5 रन बनाते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेट का रिकॉर्ड तो इन दोनों को मैं तो कहूँगा आप इनको अवॉइड करते हुए चलो, इन दोनों का रिकॉर्ड भी उतना अच्छा है नहीं, 5 रन 12 रन पर आउट रहा था और मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, बाकी बॉलिंग भी नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, आगे आप देखोगे यहाँ पे मोहम्मद यासिर टीम के कैप्टनसी का रोल करेंगे, राइट आर्म फास्टर गेंदबाज है, 2 ओवर इनका फिक्स रहता है। लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर
ओवर की बॉलिंग में एक विकेट इन्होंने निकाला हुआ था। सलमान बाबर ये भी फास्टर गेंदबाज है, दो ओवर का बॉलिंग में इन्होंने भी एक विकेट निकाला हुआ है। दोस्तों फरहान अहमद का अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं तो दो ओवर की गेंदबाजी में इनको भी एक विकेट मिला, यहाँ पे सॉरी इनको विकेट नहीं मिला, लेकिन ध्यान रखना कि बॉलिंग दो ओवर इनका भी फिक्स रहता है। ये दोनों के दोनों बॉलर फिक्स है कि दो ओवर गेंदबाजी करेंगे, ये भी गेंदबाजी दो ओवर इस मैच के अंदर करने वाले हैं। बाकी उमर डॉगर और यहाँ पे दोस्तों शकीब मर्शाद की बात करेंगे तो ये दो ओवर की गेंदबाजी में एक विकेट इनको मिला है। तो ये तीन गेंदबाज आपके टीम के अंदर होना जरूरी है, जिसमें से फरहान को भी अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इनका बॉलिंग फिक्स रहता है। दोस्तों यहाँ अगर आप स्टार्टिंग ओवर्स की अगर देखोगे दोस्तों बॉलिंग के बारे में, तो मोहम्मद यासीर और यहाँ पे दोस्तों शकीब मर्शाद, ये दोनों के दोनों स्टार्टिंग ओवर पे आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, जिसमें से शकीब मर्शाद का एक ओवर स्टार्टिंग ओवर में रहता है और डेथ ओवर पे एक ओवर रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी सलमान बाबर आपको दोस्तों लास्ट के डेथ ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ये डेथ ओवर गेंदबाज है, ठीक है। बाकी यहाँ पे शकीब मर्शाद ये भी डेथ ओवर गेंदबाज है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग ओवर पे एक ओवर डालेंगे, बाकी आपको डेथ ओवर पे लास्ट एक ओवर बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। तो ये सारे डिटेल्स है दोस्तों बैटिंग ऑर्डर के साथ, इसमें से आपको किसे किसे ट्राई करना चाहिए मैं एक बार फिर से बता दूं। ये तीन खिलाड़ी तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें से मोहम्मद नदीम को आप कैप्टनसी के लिए ले सकते हो। बाकी यहाँ पे दोस्तों बॉलिंग सेशन में तीन बॉलर को अपने टीम के अंदर आप ट्राई कर सकते हो, यानी इस टीम के अंदर चाहो तो दोस्तों चार से पाँच खिलाड़ी या फिर चाहो तो छः खिलाड़ी को ले सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप पाँच खिलाड़ी को ही ट्राई करना, छह खिलाड़ी को, जिसमें से ये तीन खिलाड़ी शामिल है दोस्तों बैटिंग सेक्शन में, जिसमें से मोहम्मद नदीम तो आपको बॉलिंग भी करते हुए दिख जाएंगे, बाकी आप तीन बॉलर के साथ जा सकते हैं, यानी DEF के छह खिलाड़ी फिक्स हो गए। चलिए BTB के खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखते हैं। BTB की टीम की तरफ से आपको दोस्तों यहाँ पे मजहर हुसैन आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, ये ओपन किए थे लास्ट मैच के अंदर, 50 रन का शानदार पारी इन्होंने खेला हुआ है और दो ओवर का बॉलिंग भी करा था, विकेट भले नहीं मिला हो लेकिन दूसरे मैच के अंदर देखेंगे तो 7 रन प्लस एक विकेट निकाला हुआ है दो ओवर की गेंदबाजी में। दोस्तों यहाँ पे मजहर हुसैन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, क्योंकि ओपन प्लस दो ओवर इनका फिक्स रहता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे मजहर हुसैन तो दोस्तों मजहर हुसैन जो है यहाँ पे डेथ ओवर पर बॉलिंग करने के लिए आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे डेथ ओवर बॉलर भी है, तो मतलब ये कैप्टनसी के लिए सबसे बेस्ट चॉइस में से है। बाकी रियान राशिद की बात करेंगे तो ओपन करते हुए दोस्तों इन्होंने 0 रन बनाया था दोस्तों पहले मैच के अंदर, दूसरे मैच के अंदर 17 रन स्कोर करा है। ओपनर बैट्समैन है, आप इनको जरूर ट्राई करना दोस्तों, ये स्टार्टिंग के दो प्लेयर हो गया। बाकी हैडर का रिकॉर्ड देखेंगे तो इनको भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, पहले मैच के अंदर फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए 2 रन बनाए थे, एक ओवर का बॉलिंग पे कोई यहाँ पे दोस्तों 2 विकेट इनको मिला था, दूसरे मैच के अंदर देखोगे 19 रन बनाए थे बैटिंग से और एक ओवर का बॉलिंग करा था लेकिन कोई विकेट इनको नहीं मिला। लेकिन ध्यान रखना स्टार्टिंग के ये तीन प्लेयर बहुत बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। दोस्तों वहीं अगर आप देखोगे तो मोहम्मद अजमाल के बारे में, ये पहले मैच के अंदर एक ओवर बॉलिंग करा था, कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद सेकंड राउंड पे देखते हुए दोस्तों 26 रन बनाया था बैटिंग करते हुए और यहाँ पे एक ओवर बॉलिंग करा और एक विकेट निकाला हुआ, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये यहाँ पे दोस्तों चार प्लेयर हो गया और DEF के छह खिलाड़ी हम लोगों ने लिया हुआ था दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा अभी। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे भिनान नायर के बारे में तो यहाँ पे थर्ड डाउन पे खेलते हुए 16 रन स्कोर करा था, दो ओवर की गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन ध्यान रखना मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है प्लस आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनको ड्रॉप करना। अक्षय ज्योतिन ये जो है ना बॉलर दोस्तों, पहले मैच के अंदर दो ओवर का बॉलिंग किया था, एक विकेट निकाला हुआ था, फिर दोस्तों एक ओवर गेंदबाजी किए थे, कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन ध्यान रखना बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी अगर आप देखोगे अरमान के बारे में, पहले मैच के अंदर 2 विकेट निकाले हैं, दूसरे मैच के अंदर एक ओवर की गेंदबाजी किया था, कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन इनका भी दो ओवर फिक्स रहता है दोस्तों, तो इनको अपने टीम के अंदर ट्राई कर सकते हैं। बाकी रियाज अली को ड्रॉप करना है आपको और इनको भी ड्रॉप कर सकते हैं, देख सकते हैं थर्ड डाउन पर खेलते हुए 0 रन बनाया, एक ही मैच खेला है। बाकी अगर आप दर्शन की बात करेंगे तो दो ओवर की गेंदबाजी में पहले मैच 2 विकेट निकाले हैं और लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर की गेंदबाजी में यहां पे भी 2 विकेट मिला है, तो बहुत सुपर गेंदबाज है दोस्तों। बाकी अगर आप देखोगे यहां पे बॉलिंग के मामले में तो स्टार्टिंग ओवर से बॉलिंग आपको अक्षय ज्योतिन करते हुए दिखेंगे। बाकी यहां पे अगर आप देखोगे मजहर हुसैन, ये भी आपको स्टार्टिंग ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, जिसमें से डेथ ओवर भी करने के लिए आते हैं, एक ओवर इनका डेथ ओवर में फिक्स रहता है, और मोहम्मद अजमाल का रिकॉर्ड देखोगे तो ये भी आपको डेथ ओवर भी गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। दर्शन दोस्तों ये आपको मिडिल ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिखने वाले हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड्स है दोस्तों, DEF और BTB के सारे स्टैट्स आप देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर के साथ सारे जानकारी आपके सामने है। तो अगर आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप खुद भी टीम कंप्लीट क्रिएट कर सकते हैं, हालांकि मैंने आपके लिए एक डेमो टीम बना के रखा है, टीम देख लो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगा।
तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोहम्मद इमरान से। ये टीम के DEF की टीम की तरफ से ओपन करते हुए दिखेंगे। मैंने पहले कहा था कि इनको ट्राई करना है अपने टीम के अंदर, ठीक है, इनको जरूर से जरूर ट्राई करना है दोस्तों। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शेरिडन को मैंने अपने टीम के अंदर ड्रॉप किया हुआ है। इनका रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, ये सेकेंड राउंड पर खेलने के लिए आया था पहले मैच के अंदर, जहाँ पे 0 रन पर आउट रहा था। दूसरे मैच के अंदर 4 नंबर पर खेलने के लिए आए थे, 5 रन पर आउट रहा था। तो आप समझ सकते हैं इनको नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एम इमरान ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बैटिंग में देखोगे दोस्तों तो मैंने यहाँ पे 3 बैट्समैन को लिया हुआ है, जिसमें से यहाँ पे 4 से 5 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन दोस्तों 3 ही खिलाड़ी को लिया हुआ है। एक दो प्लेयर पे मैंने रिस्क लिया हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सेफ क्या रहेगा। यहाँ पे एस हाइडर को ट्राई किया हुआ है। ये जो खिलाड़ी है इनको लेना ही होगा। फर्स्ट राउंड पे खेलने के लिए आए थे, पहले मैच के अंदर 2 रन बनाए थे और 2 विकेट निकाला हुआ है। फिर 19 रन बनाए थे, इसमें कोई विकेट नहीं मिला इनको, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। इनको जरूर से ज़रूर ट्राई करना है आप। उसके बाद आते हैं रियान राशिद के बारे में। तो ये भी ओपन करते हैं, पहले मैच के अंदर 0 रन बनाया है और दूसरे मैच के अंदर 17 रन स्कोर करा है। ओपनर बैट्समैन है, तो इन दोनों प्लेयर को तो जरूर से जरूर ट्राई करना है आपको। बाकी BTB की टीम की तरफ से रिकॉर्ड और कुछ खास यहाँ पे है नहीं। अब आते हैं DEF के रिकॉर्ड्स की ओर। DEF की टीम की तरफ से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे शेट को ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे सेट सेकलैंड, जिनका रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो 4 नंबर पर खेलने के लिए आए थे और 12 रन स्कोर कराया है। मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, फिर भी काफ़ी लोग इनको ट्राई कर रहे हैं। देखो, अगर आप लेते हैं तो सेफ रहोगे। मैं तो कहूंगा दोस्तों कि एक दो प्लेयर आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है ना, तभी यहां पे कुछ हो पाएगा। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, अगर आप सेफ टीम क्रिएट करते हैं तो ये प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूं इस मैच के अंदर, अगर आप चाहें तो सेफ टीम के साथ जा सकते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों अब्दुल्ला अजहर के बारे में, ये ओपन करते हुए 23 रन स्कोर करा है लास्ट मैच के अंदर। तो ये तीनों प्लेयर मैं अपने टीम के अंदर ट्राई कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आप चाहें तो दोस्तों यहां पे ए अबिद का भी रिकॉर्ड बेटर है। अबिद का रिकॉर्ड लास्ट मैच के अंदर देखोगे सेकंड राउंड पे खेलते 12 रन स्कोर करा है। मुझे दोस्तों अगर आप पर्सनली देखोगे ना तो इनसे बेटर मुझे ए अबिद लग रहा है। बाकी चॉइस आपका है। बैटिंग सेक्शन में सारे कंडीशन में रख दिया है। ऑलराउंडर में देखोगे 4 ऑलराउंडर को मैंने लिया हुआ, भी नेर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। BTV की टीम की तरफ से देखोगे तो भी नेर का रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है और थर्ड राउंड पे खेलने के लिए आए थे, पहले मैच के अंदर 16 रन स्कोर कराया, दूसरे मैच के अंदर 2 ओवर का बॉलिंग करा था। दोस्तों ध्यान रखना, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, तो इनको तो ट्राई करना ही अपने टीम के अंदर। बाकी एम हुसैन को मैंने ट्राई किया हुआ है BTV के टीम की तरफ से। एम हुसैन बढ़िया खेला है, यहाँ पे पहले मैच के अंदर 50 रन स्कोर करा है, विकेट नहीं मिला था, फिर 7 रन प्लस 1 विकेट, ओपन प्लस 2 ओवर फिक्स इनका रहता है, तो कैप्टनसी के लिए तो ये डन है। बाकी DEF की टीम की तरफ से दोनों प्लेयर तो मोस्ट एंड हाई इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, मैं इन दोनों को ट्राई करूंगा। काफी लोग BTV की टीम की तरफ से इनको ट्राई कर रहे हैं, ध्यान रखना दोस्तों अच्छा प्लेयर है, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं एक दो प्लेयर तो यहाँ पे रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको भी। 2 ओवर का गेंदबाजी ये भी फिक्स है, करते हैं पहले मैच के अंदर 2 विकेट निकाल लेते, लेकिन मैं फिर भी ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि ये चारों खिलाड़ी मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। बॉलिंग में दोस्तों मैंने 3 बॉलर को लिया हुआ है। एम अजमाल, ये 2 ओवर फिक्स है इनका। एम यासिर भी डेथ ओवर गेंदबाज है दोस्तों, BTV की टीम की तरफ से ये भी डेथ ओवर पे गेंदबाजी करेंगे, तो मैं इन तीनों को ट्राई करूंगा। अब रहा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात, तो कैप्टनसी के लिए दोस्तों एस हाइडर को मैंने सबसे बेस्ट बताया था और वाइस कैप्टनसी के लिए एम हुसैन के साथ मैं इस मैच के अंदर जा रहा हूं वाइस कैप्टनसी के लिए, ठीक है, एस हाइडर और यहां पे एम हुसैन। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, मैंने एक ऑप्शन और आपको बताया था, अगर आप चाहें तो मोहम्मद नदीम को अपने टीम के अंदर आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हैं। हो सकता है कि आपके ओपोनेंट्स ये चेंज करते हुए आए, ठीक है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये मेरे सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे टीम क्रिएट किया हुआ है। अगर एक दो प्लेयर आप चेंजेस करना चाहते हैं, मैंने सारे कंडीशन आपको बता दिया है, आप कर सकते हो। बाकी लाइनअप का वेट करो, अगर मेरे साइड से कोई चेंज होता है आफ्टर टॉस तो फाइनल टीम अपडेट कर दूंगा, नहीं तो ये फाइनल टीम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।